कौन सी बीमारी है जाने के लिए देखते हैं रिपोर्ट। अधिमान्य यह है 10 साला कलीमुल्लाह जो अपने 2 भाइयों 14 साला अब्दुल शकूर और 8 साला खलील की तरह जहनी और जिस्मानी माजूर है। इन बच्चों का बाप डेरा मुराद जमाली का रहायशी लुकमान खान सब्जी की रेडी लगाकर गुजर बसर करता है। इस बेटे अब्दुल मन्नान और 12 साला अब्दुल सलाम इसी बीमारी की वजह से हलाक हो गए थे। ये पैदा होते 7 साल के बाद फिर माजूर हो जाते हैं और माजूर होते होते फिर बैठ जाते हैं, 7-2 साल चलते फिर बैठ जाते हैं, फिर इतने कमजोर है बेइंतहा। इन बच्चों का कहना है कि इतनी ज्यादा महंगाई में गुजारा करना मुश्किल है, बच्चों का इलाज कैसे करवाए। डॉक्टरों के मुताबिक एक मौरूसी बीमारी है, इसका इलाज तो मौजूद है लेकिन वो काफी महंगा है। ये एक मौरूसी बीमारी है जिसमें बच्चे की नशोनमा नहीं होती है, इसकी बर वक्त अगर तशखीस हो जाए तो इलाज मुमकिन है। बोन मैरो की वजह से माजूर बच्चों के वालदैन हुकूमती इमदाद और किसी मसीहा के मुंतजर हैं। इलाके के लोगों का कहना है अगर मुतासरा बच्चों का हुकूमती सतह पर अच्छे मालिक से इलाज कराया जाए तो मुतासरा बच्चे सेहतमंद हैं। फिदाउस हुसैन धरपाली, एक्सप्रेस न्यूज, देरा मुराद जमाली, बलोचिस्तान।